अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं परवल की सब्ज़ी। हम दो तरह के परवल की सब्ज़ी बनाएंगे, दो किस्म की। उसके लिए हम 1 किलो परवल लिए हैं और बड़े साइज़ वाले मैं अलग कर दूंगी, वो भरवा परवल बनेगा और सूखी सब्ज़ी बनेगी एक की। ये भरवा परवल बनेगा, दोनों को खुरच लें, छिलना नहीं है, खुरचना है। इस टाइप का, इस तरह का खुरच लें। पहले हम सब्जी बनाएंगे, इसके लिए ऐसे आलू काटेंगे और बारीक चौकी और प्याज, दो प्याज है इसमें, इस सूखी सब्जी में दो प्याज मैंने लिया है। और ये भरवा परवल में मैंने 4 अनियन चॉप किया है, इसमें प्याज ज़्यादा लगेगी। तो चलिए अब परवल को काट लेते हैं। इसमें इस टाइप का परवल आप काट लें, मोटी मोटी कटनी चाहिए इस टाइप से, इस तरह से, इस तरह से काट लें। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल डालेंगे, अब इसमें हम परवल डालेंगे। परवल, आलू, प्याज एक साथ ही डालेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी लगती है। ये आप पूरी या चपाती में भी खा सकते हैं। अब हस्ब जायका नमक डालें। अब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसके बाद हल्दी पाउडर, उसके बाद गोल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। गोल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा और जीरा पाउडर डालेंगे। इससे सब्जी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे मिक्स कर दें, इसे तो अच्छी तरह हम चला लेंगे। अब आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ना भी डाले तो चलेगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसे अच्छी तरह मिला लें और उसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसे 15 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। आइए अब देखते हैं, करीब करीब पक ही चुकी है सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी दिख रही है माशाल्लाह से। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अब इसे 10 मिनट पकने दें, उसके बाद फिर खोल कर देखें। अब बराबर से चला लेंगे। अब ये हो चुका है, अभी हम इसे गैस को बंद करते हैं। अब हम भरवा परवल बनाएंगे। ये सूखी सब्जी तैयार हो गई है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब ये भरवा परवल है, अभी इसे हम इस तरह से काटेंगे बीच से, हाथ बचाकर काटिएगा फ्रेंड्स। इसके अंदर बीज जो है उसे निकाल लें अच्छी तरह से, इसे अंदर से सारे निकाल लें। ऐसे करके सभी को हम निकालेंगे, थोड़ा संभाल संभाल कर। ये सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स।
देखिए इस तरह से हम सारे को निकाल दिए। अब चलिए इसे बनाते हैं। पहले तेल डालेंगे डेगची में, थोड़ा डेगची हिला लें चारों तरफ तेल लग जाए। अब ऑनियन डालेंगे, थोड़ा प्याज बारीक कटी हुई प्याज डालें इसमें, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम हल्का ही करेंगे, हल्का ही होता है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा प्याज गलने जैसा हो जाए तब हम इसमें मसाला डालेंगे। प्याज का ही मसाला होता है ज़्यादा, इसमें कोई और मसाला नहीं डलाता है, सिर्फ ये अचार वाला मसाला है। इसमें मेथी है, मंगरेला और सौंफ। इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच, और हल्दी पाउडर, और आधा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। नमक डालें हसबे जायका। अब इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। उसके बाद परवल का अंदर से जो हम निकाले हैं बीज और उसके गुद्दे और उसे डालेंगे। सामान भी सरियाते जाइए फ्रेंड्स अपना। और देखिए ये डालें हम, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिलाकर इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसे पकने दें। पानी डालें थोड़ा और 15 मिनट के लिए इसे पकने दें, जब तक के बीज भी गल जाएगी अच्छी तरह से। हो चुका है 15 मिनट, आप देखते हैं, देखिए बिल्कुल ये पक चुका है, अच्छी तरह से गल गया है। प्याज और वो जो परवल के अंदर से निकाले थे बहुत ही अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह से। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब परवल में डालेंगे इसे, आइए इसे परवल के अंदर डालें, अच्छी तरह से संभाल संभाल कर ऐसे हल्के हाथों से, ताकि परवल फटे ना पूरा। बिल्कुल अचार की टेस्ट आती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है ये, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप। अब मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए थोड़ा मसाला बच गया है, अब इसके अंदर हम परवल पूरे डाल देंगे। मसाला बचना ही चाहिए ताकि ग्रेवी जैसा हो। परवल डालकर अब थोड़ा इसमें पानी डालें ताकि परवल गल जाए। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इमली देखिए, इमली इसे हम मैंने आधा घंटा पहले भिगा कर रखा है। अब देखते हैं 10 से 15 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए गल चुका है। इसे अब आप पलट दें, ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह गल जाए, ये अच्छी तरह पक जाए।
माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इमली को ऐसे मध के इसे छान लेंगे, छन्नी से छान लेंगे। इमली डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे टेस्ट आता है। इसे लास्ट में ही डालें परवल गलने के बाद। देखिए परवल गल चुका है, अब इसे इमली पानी डालेंगे। अब इसे 10 मिनट पकने देंगे। ताकि परवल के अंदर तक चले जाइए खट्टापन। अब देखते हैं इसे खोलकर। 10 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए माशाल्लाह से तैयार है। देखिए पक चुका हमारा परवल की सूखी सब्जी भी और भरवा परवल भी। वैसे हम पटल भी हम लोग इधर बोलते हैं फ्रेंड्स, हर जगह हर तरह के बात बोलते हैं इसे अपने अपने भाषा में, कहीं परवल कहीं पटल। तो देखिए बन चुका है, इसे पूड़ी के साथ या चपाती के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।